हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमित्रा सीएससी हेल्पलाइन में। दोस्तों, एमित्रा जो चलाते हैं उनके सामने अभी हाल ही में एक समस्या आ रही है, बहुत बड़ी समस्या है, राशन कार्ड शीडिंग की। राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो उसको कैसे लिंक करें? कई तो ऐसे बोल रहे हैं कि आधार कार्ड मामा से लिंक कर दो, जन आधार कार्ड से लिंक कर दो, उसमें आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। कई ऐसा बोल रहे हैं कि आप आधार कार्ड और भामाशाह की एक लिंक बना दो। कई फर्जी पोर्टल से भी कर रहे हैं लेकिन किसी से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आधार कार्ड है जो राशन कार्ड में लिंक नहीं हो रहा है, उसके लिए सही ट्रिक क्या है, सही से आप किस प्रकार से करवा सकते हो, वो सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मैं इस चैनल पे एमित्रा सीएससी और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ आप सबके लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो बात है वो ये है कि आपका जो भी जन आधार नंबर है और राशन कार्ड नंबर है वो आपके जन आधार कार्ड में अपडेट होना जरूरी है। अगर नहीं है तो कर लीजिए, अगर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर नहीं है तो भी चलेगा। लेकिन आपको जो आधार कार्ड में शीडिंग करवानी है, राशन कार्ड में शीडिंग करवानी है आधार नंबर की, वो शीडिंग आप किस प्रकार से करवा सकते हो वो बात मैं आपको बता दूं। ईमित्रा पे हाल ही में इस प्रकार का कोई भी सर्विस चालू नहीं है कि हम राशन कार्ड में आधार नंबर अपडेट कर सकें। राशन कार्ड में आधार नंबर अपडेट करने के लिए ईमित्रा के पास में कोई सर्विस नहीं है, ना कोई ऐसी कोई लिंक है जिससे हम आधार नंबर अपडेट कर सकते हैं राशन कार्ड में। इसका एक सही तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आज खुद ट्राई किया था, मैंने आज खुद ऐसे पता करा किया था कि राशन कार्ड में आधार नंबर कैसे लिंक कर सकते हैं। वो बात ये है कि आपके जो भी पंचायत समिति, आप पंचायत समिति में जाइए या फिर SDM कोर्ट में जाइए, वहाँ पे जाके आप आपके आधार कार्ड में राशन कार्ड में आधार नंबर अपडेट करवा सकते हैं, तभी आपके राशन कार्ड में आधार नंबर अपडेट हो पाएंगे। उसके लिए आपके जो जन आधार कार्ड है उसमें आप मोबाइल नंबर अपडेट कराओ तो ठीक है, ना कराओ तो ठीक है, लेकिन उसमें अगर मान लो आप करवाओ तो बेस्ट रहता है। जन आधार कार्ड में आप आधार नंबर अपडेट तो बेस्ट रहता है ताकि आगे आपको कोई समस्या ना आए जब भी आप गेहूं लेने जाओ। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको इस वीडियो में दी गई छोटी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।